घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। KGF चैप्टर 2 जिस फिल्म को 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। फिल्म की ओरिजिनल भाषा है कन्नड़ा। इसके अलावा फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम इन 4 भाषाओं में डब किया जाना है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है रॉकिंग स्टार यश और उनके साथ है संजय दत्त। तो दोस्तों, जिस तरह से KGF चैप्टर 2 के लिए लोगों के बीच में एक्साइटमेंट है, ऐसे में कई मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे चैनल पर मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, उनका कहना है कि भैया हमें बताइए कि KGF चैप्टर 2 अगर 2021 में रिलीज होगी तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन होगा और KGF चैप्टर 2 आखिर कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिल्म का हिंदी में कितनी कमाई होगी, साथ ही साथ ये फिल्म साउथ में कितनी कमाई कर पाएगी। तो दोस्तों, फिल्म का प्रेडिक्शन करने से पहले आपको 2 बातें क्लियर कर दूं कि जिस वक्त फिल्म रिलीज होगी उस वक्त कोरोना वायरस का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, साथ ही साथ मार्केट में कोरोना के वैक्सीन भी आ जाना चाहिए, जिसके चलते इस फिल्म को पहले दिन देखने के लिए सिनेमा घरों में एक अच्छी खासी भीड़ लग जाए। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि फिल्म का जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन है फिल्म के अच्छे रिव्यूज के बाद, यानी कि अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो ये फिल्म के कलेक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगी, तो दोस्तों अगर KGF चैप्टर 2 को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वही दोस्तों, फिल्म का साउथ इंडिया का कलेक्शन यानी कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम इन 4 भाषाओं का पहले दिन कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रुपए रह सकता है, यानी कि कुल मिलाकर KGF चैप्टर 2 अपने पहले दिन हिंदुस्तान में ही लगभग 100 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही दोस्तों, फिल्म को ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन पहले दिन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, तो दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर फिल्म अच्छी हुई तो KGF चैप्टर 2 सिर्फ हिंदी वर्जन में ही कम से कम 300 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वही दोस्तों, फिल्म साउथ वर्जन यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इन 4 भाषाओं में लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास कर जाएगी, यानी कि दोस्तों KGF चैप्टर 2 का मिनिमम इंडिया का कलेक्शन रहेगा लाइफ टाइम 700 करोड़ रुपए के आसपास का। वही दोस्तों, अगर बात करें कि फिल्म ओवरसीज मार्केट यानी कि हिंदुस्तान के बाहर कितनी कमाई कर सकती है, तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 100 या 150 करोड़ रुपए कमा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम प्रेडिक्ट करें फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो KGF चैप्टर 2 अच्छे हालातों में और अच्छे रिव्यू के साथ लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है लगभग 800 करोड़ रुपए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है KGF चैप्टर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना रहेगा, 800 करोड़, 1000 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।